हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर वन। इसको हम अच्छे समझेंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए सबसे पहले हम इसको समझने के लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले वो समझते हैं, ठीक है? तो वो है कैटेगरीज ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी जो लगता है वो बेसिकली कितनी कैटेगरी का होता है। देखिए, जो जीएसटी लगता है वो हमारा दो तरीके से लगता है। एक होती है हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक होती है हमारी इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है? तो हमारी दो तरीके की सप्लाई होती है, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। तो बेसिकली अब देखो इंट्रा स्टेट क्या होती है। इंट्रा स्टेट सप्लाई उसे बोलते हैं कि जो अगर सामान बिका, सामान की सप्लाई हुई वो एक ही स्टेट के अंदर हुई, विद इन द स्टेट का मतलब क्या है कि जहाँ पर जो बेचने वाला है और जो बायर है वो एक ही स्टेट के अंदर बिलोंग करते हैं, तो वो विद इन द स्टेट में आ जाएगा, वो इंट्रा स्टेट बोलता हूँ मैं। इंटरस्टेट क्या होती है? इंटरस्टेट सप्लाई उसे बोलते हैं कि जो सप्लाई आपने स्टेट के बाहर करी है, आउटसाइड द स्टेट। यानी कि अगर सेलर किसी एक स्टेट में था और आपने उससे माल दूसरे स्टेट में भेजा है तो वो कौन सी कैटेगरी आ जाएगी? इंटरस्टेट। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, वहां मान लेते हैं कि सेलर और बायर दोनों ही, सेलर एंड बायर बिलोंग टू यूपी, दोनों ही यूपी से, और इसमें सेलर मान लेते हैं सेलर इज इन यूपी, सेलर जो है यूपी में है, ठीक है? उसने जो माल बेचा वो किसी और स्टेट में बेचा, मान लेते हैं वो यूपी से माल बेच रहा है तमिलनाडु में, एंड बायर इज इन तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपकी जो स्टेडियो बन जाएगी वो बन जाएगी इंटर स्टेट सप्लाई। तो देखो होता क्या है कि जब इंट्रा स्टेट होती है सप्लाई, तो हमारा जो जीएसटी लगता है वो हमारा दो तरीके से लगता है। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है? और जब आप स्टेट के बाहर माल बेच रहे हो तो वहां पर एक ही तरीके का जीएसटी लगता है, उसे हम बोलते हैं आईजीएसटी, जिसमें नाम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब आप स्टेट के बाहर माल बेचते, जैसे सपोज करते हैं कि देखो होता क्या है, हमारा जो जीएसटी होता है वो आधा सेंटर को मिलता है आधा स्टेट को जाता है। हमने जीएसटी का एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसमें हमारा जीएसटी ग्रेड अगर मान लेते हैं कि 10% है, तो गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि देखो आधा तो हम अपने पास रखेंगे और आधा स्टेट को दे देंगे। अगर एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही है तो हम क्या करते हैं, आपसे दो तरीके का जीएसटी लेंगे। एक होता है सेंटर वाला, यानी कि मेरा आधा हिस्सा जो सेंटर में जाएगा, तो सीजीएसटी अगर मान लेते 10% है तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा, आधा, आधा मतलब 5%। एसजीएसटी कितना हो जाएगा, ये भी 5% हो जाएगा। तो जब एक ही स्टेट के अंदर माल सप्लाई होगा ना, तो उसके ऊपर दो जीएसटी लगेंगे, एक सीजीएसटी एसजीएसटी। वो एक ही जीएसटी के दो टुकड़े कर दिए हमने, एक जीएसटी वाला जाएगा सीजीएसटी, जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, SGST जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, जिस स्टेट में माल बिका है। लेकिन जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो वहाँ पर IGST लगता है, और IGST होता है टोटल रेट क्या है GST का, यानी कि 10%, पूरा 10% लगेगा। अब यहाँ पर आधा आधा कैसे जाएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट आधा अपने आप भेजेगी, हम नहीं भेजेंगे। यहाँ पर सबसे डायरेक्ट जाएगा आधा स्टेट और सेंटर को, लेकिन यहाँ पर पहले ये IGST जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बाद अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट आधा हिस्सा स्टेट को दे देती है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सी स्टेट को दे देती है, जहाँ से माल गया है या जहाँ माल गया है, जहाँ से गया है और या जहाँ गया है, दोनों फ़र्क है। जहाँ से गया है जैसे वो ये है यूपी स्टेट, लेकिन जहाँ गया है वो है तमिलनाडु। तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो होता क्या है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में जीएसटी उस स्टेट को मिलता है जहाँ उस गुड्स या सर्विस का डेस्टिनेशन है। जैसे कि तमिलनाडु में माल गया है तो तमिलनाडु वाले स्टेट को मिलेगा जीएसटी का हिस्सा, समझ गए? तो ये हमारा जीएसटी होता है, इसी को अब देखते हो। अब देखो क्वेश्चन में अगर कुछ ना लिखा हो, मान लो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हम इंट्रा स्टेट ही मानते हैं, सी जीएसटी और एस जीएसटी लगाते हैं, समझ गए? अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजन दिल्ली का है, ये आपको राजन दिल्ली के बुक्स में एंट्री करनी है। अब इसमें ज़्यादातर सामान जो बेचेगा ख़रीदेगा वो दिल्ली में ही लिखेगा, कुछ नहीं भी लिखेगा फिर भी आपका इंट्रा स्टेट ही मानना है, समझ गए? और इसको क्वेश्चन करने के लिए एक चीज़ आपको पहले बता देता हूँ, जीएसटी लगाते कैसे है। देखिए सबसे पहले होता है, अगर क्वेश्चन में सबसे पहले नहीं दे रखा है कुछ नहीं पता, सबसे पहले आप सामान की कॉस्ट देखनी पड़ती है कि कॉस्ट कितने की है, फिर उसके ऊपर क्या लगता है प्रॉफिट हम जोड़ते हैं। सामान को पहले सामान को बनाने की लागत होती है, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट जुड़ता है, उसके ऊपर फिर क्या जुड़ता है प्रॉफिट। प्रॉफिट जुड़ने के बाद क्या आता है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस ऐसा प्राइस होता है जो हम सामने वाले को दिखाते हैं, ठीक है, कि भाई देखो इतने का सामान है, वो लिस्ट प्राइस होता है, प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही होता है वो, ठीक है। तो कॉस्ट में तो प्रॉफिट ऐड करते हैं फिर लिस्ट प्राइस आता है। लिस्ट प्राइस के बाद, लिस्ट प्राइस में हम कई बार डिस्काउंट दे देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं, जब हम सामान बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट जितना भी परसेंट होगा वो माइनस करते हैं, फिर आपका जो आता है वो आती है या तो परचेज वैल्यू, अगर सामान खरीदा है तो बोलूँगा परचेज वैल्यू, या फिर क्या बोलूँगा सेल वैल्यू, ठीक है। इसके ऊपर कई बार हम डिस्काउंट कैश वाला लगाते हैं, मान लो क्वेश्चन में कह रहा है कि कैश डिस्काउंट दिया, तो कैश डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है, जितना का सामान खरीदा या जितने का सामान बेचा, अगर वो पूरा पेमेंट आपको मिल गई तो मैं पूरा का पूरा कैश डिस्काउंट लगा दूँ। कैश डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है, जितना आपको, जितना आपने सामान बेचा उसका पैसा मिल गया तो उसमें से कैश डिस्काउंट लगा देते हैं, या जितना सामान आपने ख़रीदा जो और आपने पेमेंट करी हाथों हाथ आपको कैश डिस्काउंट मिल गया, तो ऐसे कैश डिस्काउंट माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट इसमें से माइनस करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। फिर जो आता है वो होता है टैक्सेबल वैल्यू। अगर आपके क्वेश्चन में इस कैश डिस्काउंट नहीं है तो यही टैक्सेबल वैल्यू हो जाती है तो माइनस करना है, नहीं है तो नहीं करना। अगर क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस नहीं है, सीधा सेल वैल्यू है, तो यही इस पर टैक्स लग जाएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में इतना बड़ा चीज़ आपको करनी पड़ती है, तो टैक्सेबल वैल्यू का मतलब है टैक्स इस पर लगता है, तो टैक्स लगेगा। जैसे CGST है तो CGST लग जाएगा, SGST है तो SGST लग जाएगा, अगर ये दोनों नहीं है तो IGST लगेगा, ठीक है। ये अगर दोनों नहीं है तो IGST लगेगा, समझ गए। और यहाँ जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू। क्या बोलते हैं? इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू होती है जितना, यानी कि सामान एक्चुअल में उसका पेमेंट मैंने कितने की करी, या तो ये बोलूँगा, या कितने की करनी है। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सामान खरीद भी सकता हूँ बेच भी सकता हूँ, यानी कि कितना अगर ख़रीदा है तो कितने की पेमेंट करी है, या उधार में खरीदा तो कितने की करूँगा, सेल करा है तो सेल कितने की पेमेंट मुझे मिली है या कितने की मिलेगी, समझ रहे। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी हो गए अब वो इसी फॉर्मेट से हो गए, लेकिन क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हमने अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है। अभी हम ये वाला क्वेश्चन करने से पहले हम जो करते हैं बेसिक, हम पहले एंट्री समझते हैं कि कैसे होती है। देखो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन से,